हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम्स हलवाई। और आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो ये एक बहुत आसान और हल्की फुल्की रेसिपी है। इसको मैंने बनाया था कढ़ी के साथ डिनर के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है एक कुकर और फिर उसमें डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। और ऑयल को हमने गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम डाल देंगे कुछ साबुत गरम मसाले। तो हमने डाल दी है 4-5 लौंग, 3 इलायची और 1 तेज पत्ते को हमने इस तरीके से तोड़कर डाल दिया है। इन मसालों को हम 10-15 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हमारे मटर पुलाव को हल्का सा स्पाइस टच देने के लिए हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं। तो 2-3 हरी मिर्ची को इस तरीके से लंबाई में काट कर डाल दिया है। और साथ में डाल दिए हैं 10-15 काजू जिनको बीच में से कट कर लिया है। अब काजू और हरी मिर्च को हल्का सा सॉटे कर लेंगे 15 सेकेंड के लिए, जिसमें काजू का कलर हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, बस हल्के क्रंची हो जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे चावल। तो ये मैं 2 छोटी कटोरी चावल डाल रही हूँ जिनको मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और साथ में डाल देंगे 1 छोटी कटोरी मटर। अभी मटर सीजन में है तो काफ़ी सारा मटर हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें मीडियम फ्लेम पर 10 सेकेंड के लिए चावल को पकाना है, जब तक चावल पर एक हल्की सी शाइन ना आ जाए। इस स्टेप से होगा ये कि जब हमारा चावल पकेगा तो फिर वो दाने दाने उसके अलग रहेंगे, एकदम खिलकर बनेगा। तो 10 सेकेंड बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी को ज़रूर नाप कर डालिएगा। 2 कटोरी चावल थे तो हम डालेंगे 3.5 कटोरी पानी और 1/4 कटोरी भी डाल देंगे। टोटल 4 कटोरी पानी नहीं डालेंगे, उससे कम ही डालेंगे, इससे हमारे चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो हमने पानी की मात्रा नाप कर डाल दी है और मिक्स कर देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो अभी बाकी है वो है नमक। तो नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे। और कुकर का ढक्कन तभी खोलेंगे जब कुकर का प्रेशर डाउन हो जाएगा। और जब तक हमारे चावल पक रहे थे, सीटी आ रही थी, तब तक मैंने साइड में कढ़ी भी बना ली थी। बहुत फटाफट बनने वाली कढ़ी है। इसकी रेसिपी आसानी से आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो कुकर का प्रेशर डाउन हो गया था तो हमने देखिए ढक्कन खोल दिया है। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे राइस को। आप चाहें तो सारे जो साबुत गरम मसाले हैं उनको हटा सकते हैं। एकदम बढ़िया से हमारी राइस बनकर तैयार हो गई है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कितनी खिलकर हमारी राइस बनी है। तो इतनी आसान सी राइस हमारी बनकर रेडी हो गई है और डिनर भी हमारा रेडी हो गया है। कढ़ी के साथ सर्व करते हैं। तो जब भी मटर पुलाव बनाती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ, तो साथ में लच्छा पराठा भी बनाती हूँ। वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, लेकिन सिर्फ राइस खाते तो काफ़ी हल्का लगता है। तो साथ में 1-2 लच्छे पराठे भी बना लेती हूँ तो कम्प्लीट मील हो जाता है। और बाकी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। काफ़ी आसान है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है, एकदम लाइट रहती है। और फाइनली फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी तरीके रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू एंड बाय।